नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। कोरोना महामारी में ऑक्सीमीटर सबसे बड़ा और प्राथमिक हथियार साबित हुआ है, क्योंकि कोरोना संक्रमण में गंभीर मामले में सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी होती है। ऐसे में तमाम दवाइयों के साथ साथ मार्केट में ऑक्सीमीटर की भी कालाबाजारी शुरू हो गई है। और न सिर्फ कालाबाजारी शुरू हुई है, बल्कि इसके नाम पर सोशल मीडिया पर कई लोग धोखाधड़ी करते नजर आए हैं। ऐसे में भारत सरकार और साइबर एजेंसी साइबर दोस्त और गुजरात पुलिस के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। उसके अकॉर्डिंग बताया गया कि सोशल मीडिया पर कई ऐसे पोस्ट किए जा रहे हैं जहां यह दावा किया जा रहा है कि तमाम ऑक्सीमीटर ऐप से ऑक्सीजन लेवल चेक किया जा सकता है। लेकिन चलिए जानते हैं कि क्या है इसकी पूरी सच्चाई। क्या सच में ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीमीटर ऐप से आप चेक कर सकते हो? साइबर हैकर फर्जी मोबाइल ऐप से लोगों को ठग रहे हैं। केंद्र सरकार की साइबर यूनिट साइबर दोस्त ने ट्वीट कर एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि यूजर्स अलग अलग यूआरएल से तमाम ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं, ऑक्सीमीटर ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके साथ धोखाधड़ी के कई मामले सामने आ रहे हैं। ऑक्सीजन जो है किसी भी ऐप से कभी भी चेक किया नहीं जा सकता, क्योंकि वो ब्लड के थ्रू सर्कुलेशन होता है और मोबाइल से ब्लड का कनेक्शन नहीं हो सकता है। ऐसे में यह सभी जो बातें आ रही है कि ऑक्सीमीटर ऐप डाउनलोड करिए, उसके बाद आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हो, यह गलत है। गुजरात सीआईडी क्राइम ब्रांच ने भी इसकी पड़ताल की, जिसके बाद यह पता चला कि यह बातें सच है, कि सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि तमाम यूआरएल दिया जा रहा है और यूआरएल पर जाकर लोग ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं और वैसे में ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हैं। पहले बताएं आपको कि पहले से ही ऑक्सीजन लेवल उसमें फिक्स कर दिया जाता है, ताकि आप चेक करोगे, थोड़ा फ्लक्चुएशन दिखाएगा, उसके बाद वही ऑक्सीजन लेवल आपके बार बार दिखाएंगे, जिससे आपके जान को तो खतरा है ही, क्योंकि अगर आप कोरोना संक्रमित हैं और किसी ऐप के भरोसे चल रहे हैं तो वैसे में वो गलत ऑक्सीजन लेवल दिखाएगा। अगर आपका एक्चुअली में कम हुआ तो फिर आप खतरे में पड़ सकते हैं, और अगर आपका नॉर्मल है और वो नॉर्मल नहीं बता रहा है तो भी आप घबरा जाएंगे, और ऐसे में दोनों ही परिस्थितियों में स्थिति ठीक नहीं होगी, गंभीर हो जाएंगे आप। लेकिन एक और मामला हम आपको बताते हैं कि ऐप डाउनलोड करने से आपके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। फायदे तो कुछ नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ये फेक है, फेक यूआरएल है, और नुकसान बहुत सारा है। नुकसान आपकी प्राइवेसी का, क्योंकि ऐसे ऐप डाउनलोड कर लेने की वजह से आप उनको अलाउ करते हो कि आप उनके डाटा, आपके डेटा वो देखें, आपके डेटा वो चोरी भी कर सकते हैं, उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, और ऐसे में आपकी प्राइवेसी पर सवाल भी उठ सकते हैं। तो ये तमाम जो है लूप होल्स, ऐसी चीज़ें हैं, तो ये फर्जी बाड़ा है पूरी तरीके से। सावधान रहें, सतर्क रहें, साथ ही साथ उन ऑक्सीमीटर को भी खरीदने में बचे जो बचे उन ऑक्सीमीटर को भी खरीदने में बचे जो 500 और 600 रुपए में मिल रहे हैं मार्केट में, क्योंकि बताया आपको कि ये पेपर के तमाम फोल्डेड पेपर्स पेन इन सभी के ऑक्सीजन लेवल बता रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो प्री डिसाइडेड होता है, उसमें प्री लोड होता है कि कितना ऑक्सीजन लेवल बताना है, और ऐसे ही फर्जीवाड़े किए जाते हैं, पैसे झूठ मूठ के लिए जाते हैं आपसे, और अपना वो दुकान चला रहे हैं और आप लोग बेवकूफ बनते जा रहे हैं। तो ब्रांडेड ऑक्सीमीटर ही खरीदें और ये सभी चीज़ों पर ध्यान रखें, क्योंकि आपके ज़िंदगी का सवाल है अगर आप गलत ऑक्सीमीटर खरीदते हैं, गलत ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, तो दोनों ही परिस्थितियों में आपका ही नुकसान है। वो तो 500-1000 रुपये कमा लेंगे, आपका डेटा चुरा लेंगे और खुश हो जाएंगे। तो इन सभी बातों का आप ख्याल रखें। यह इंफॉर्मेटिव वीडियो हमने इसीलिए बनाया है क्योंकि ऐसे परिस्थितियों वाले वक्त में भी ऐसे चालाक लोग आसपास हैं कि उन्हें सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा है, पता नहीं वो कहां जाएंगे इन पैसों को लेकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे और भी खबरों के लिए आप न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। धन्यवाद।